सूखे के चलते पानी को तरस रहे महाराष्ट्र में 1 मई के बाद आईपीएल के मैच नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल मैचों को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सूखे से जूझ रहा है, तो वहीं बीसीसीआई वहां से स्थानांतरित किए गए आईपीएल के मैचों को लेकर चिंतित है। बुधवार को चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने बीसीसीआई को लतार लगाते हुए कहा कि सूखे के चलते लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और ऐसे में मैचों को बाहर ले जाना ही बेहतर होगा। इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश सही है कि लोगों की जिंदगी से बढ़कर क्रिकेट नहीं है। सुनवाई के दौरान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र क्रिकेट की ओर से पी चिदम्बरम पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि वानखेड़े में 4 मैचों के लिए 8 से 10 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी और वो सीवर का ट्रीटमेंट वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये आंकड़े कहां से आए, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना है कि 60 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की हर दलील को खारिज कर दिया और मैचों को राज्य से बाहर कराने का आदेश सुनाया। क्रिकेट एसोसिएशन ने दलील दी है कि महाराष्ट्र में 6 मैचों के लिए 4.80 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी और इसके लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। इससे पीने के पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ट्रीटमेंट वाला पानी टैंकर से मंगवाने को तैयार हैं, तो क्या हम सभी स्टेडियमों में पानी की सप्लाई काट सकते हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी की कमी है और ऐसे में विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं, बेहतर होगा कि आप मैच बाहर ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शायद बीसीसीआई को सबक लेने की जरूरत है। मानवता भी कहती है कि खेल से बड़ी जिंदगी होती है। देखते रहिए डीबी लाइव।